हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड जैसा आपको पता है कि यूपी आरवीयूएनएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत वितरण उत्पादन निगम लिमिटेड में वैकेंसी आई थी 2021 में भी और 2022 में भी, और 2022 का अभी आपको पता है कि डिटेल आ चुकी हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो आज का ये वीडियो इस बात को समझने के लिए कि 21 और 22 में क्या डिफरेंस है और क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यूपी आरवीयूएनएल का यदि आप स्टेटस देखेंगे, यदि 2021, देखिए मैं किसी भी एग्जाम के एक दो साल के बारे में इसलिए बात कर रहा होता हूँ क्योंकि जिस ट्रैक पर हमें चलना होता है हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वो ट्रैक जाएगा कहाँ पर और किस तरीके से जाएगा। तो यदि मैं एक दो साल को पीछे कंपेयर कर लेता हूँ तो हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है, जो आपके पास में आइस बनी हुई है, जो धुंधलापन है, वो थोड़ा आपका और क्लियर होने लगता है। इसलिए मैं 2021 की बात कर रहा हूँ कि ये यूपी आरवीयूएनएल 2021 की जो जेई की वैकेंसी थी, ये 3 जून आपके पास में ऑनलाइन एप्लीकेशन का कमेंसमेंट था और एग्जाम डेट थी 21 अक्टूबर से और 1 नवंबर तक जो एग्जाम हो चुका था। अभी तक इस एग्जाम का रिजल्ट आया नहीं है और 22 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके फॉर्म भी फिल करना स्टार्ट हो गए हैं। यदि मैं 2021 और 22 को कंपेयर करूं तो इस बार थोड़ी वैकेंसीज कम है। यदि मैं लास्ट ईयर 21 का देखूं तो 196 आपके पास में टोटल वैकेंसीज आई थी डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए। और यदि हम इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको पता चलेगा कि पार्ट 1 में टेक्निकल और पार्ट 2 में नॉन टेक्निकल, जीके, हिंदी और रीजनिंग, इस तरीके से आपके पास में 2 पार्ट में पेपर था। 100 क्वेश्चन आपके पास में टेक्निकल थे और 50 क्वेश्चन आपके पास में नॉन टेक्निकल थे और टोटल आपके पास में 150 क्वेश्चन आपको 3 घंटे के ड्यूरेशन में सॉल्व करने थे और क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन थे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी थी, जो कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। और सिलेबस का भी आपको इस बात का आइडिया होगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मेजर जो आपके 10 सब्जेक्ट हैं वही आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले थे, जिसमें मेटल साइंस था, प्रोडक्शन था, ऑटोमेटिव इंजन था, थर्मोडायनेमिक्स, और ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं जो आपने नोटिफिकेशन में देख भी लिए होंगे। सिमिलरली यदि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करूं तो इलेक्ट्रिकल के भी वही 5-6 सब्जेक्ट जिसको टुकड़ों में लिखा हुआ है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर सिस्टम, अल्टीमेटली एक ही चीज है, मतलब पावर सिस्टम का ही पार्ट है, एसी फंडामेंटल, नेटवर्क थ्योरी, ये सब एक ही चीज है। ऐसे ही इन्होंने पार्ट में कई जगह उसको बांट रखा है। यदि इसी तरीके से यदि मैं सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूं तो आपके पास में ये पूरा का पूरा सिलेबस यहां पर लिखा हुआ है। अब यदि हम ये देखें यहां पर टोटल कंप्यूटर साइंस, तो वो भी आपको सिलेबस नजर आ जाएगा, ये टोटल इस तरीके से आपके पास में लिखा हुआ है। नॉन टेक्निकल में जो आपके पास में डिफरेंट चीजें, जनरल नॉलेज, हिंदी या फिर रीजनिंग के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी आपके पास में सिलेबस वेल डिफाइंड तरीके से आपको दिया हुआ है। अब बात आ चुकी है 2022 की, जिसका कि नोटिफिकेशन आ गया था, और बात यही नहीं, 21 फरवरी से इसके फॉर्म भी फिल होना स्टार्ट हो गए और एग्जाम की डेट भी जल्दी अनाउंस हो जाएगी। मतलब यदि मान लीजिए हम जून में एग्जाम की डेट मान लें तो हमारे पास में टाइम कम है। टाइम कम में 2 कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं। एक वो स्टूडेंट आता है जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी, उनको लगता है कि हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो अब टाइम कम है, फटाफट प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। दूसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट आते हैं जिनको लगता है सर मैं प्रिपरेशन तो कर ली, अब हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, केवल और केवल हमें क्वेश्चंस की जरूरत है, हम एग्जाम हमें आता है लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं तो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास में 2 तरीके के बैचेज हैं, वो बैचेज हमारे निम्बस लर्निंग के ऐप पर अवेलेबल हैं। यदि आपको डिटेल बैच चाहिए तो आप निम्बस लर्निंग का ऐप डाउनलोड करें, वहां से डिटेल बैच आप ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको बेहतरीन 8-10 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो हमारा प्रैक्टिस बैच भी अवेलेबल है, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के हजारों की संख्या में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस बार 2020 यदि आप किसी कारण से 21 में अनसक्सेस हुए, यदि आपको लग रहा है रिजल्ट ऑल दो आया नहीं, आपको लगता है कि यार हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, कोई ऐसे चांसेस हैं, तो 22 की वैकेंसी का आप उसके 21 वाले के रिजल्ट का इंतजार ना करें कि 21 का रिजल्ट आएगा फिर मैं देखूंगा। आपको कहीं पर भी डाउट है तो डेफिनेटली आप 22 के एग्जाम के लिए एकदम सॉलिड तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर ले जाएं। और ऐसे दोनों ही टाइप के स्टूडेंट के लिए जिनको डिटेल में करना है उन डिटेल में, या फिर जिनको प्रैक्टिस करनी है, उनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, वो प्रैक्टिस के लिए भी फोकस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए भी निम्बस लर्निंग के ऐप पर इस टाइप के बैचेज अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, उसमें आपको मटेरियल भी मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, प्लस आपको प्रैक्टिस के वीडियो क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आप इन दोनों को बैचों को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि आप इस क्यूआर कोड से भी ले सकते हैं या फिर आप गूगल प्ले स्टोर में जाके आप निम्बस लर्निंग के ऐप के डाउनलोड करके भी आप उन क्लासेज को एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगा 2022 में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फटाफट
प्रिपरेशन करें और इस एग्जाम को क्लियर करें. विश यू ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग. थैंक यू. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.